सब्सक्राइब कीजिए टेक सपोर्ट द इन्वेंटर चैनल को एंड नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स में लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बोलकर टाइप करना सिखाऊंगा और अभी भी मैं बोलकर ही टाइप कर रहा हूं। यह केवल डेमो है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और आपका टाइप करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलकर भी टाइप कर सकते हैं, हालांकि आप वॉइस अपना सेंड नहीं करना चाहते। दोस्तों, व्हाट्सएप में कई सारे फीचर्स हैं जिनसे आप अपना वॉइस सेंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलकर अपना वॉइस को सेंड नहीं करना चाहते हैं, या कोई मेरा फ्रेंड है जिसको लेटर लिखना है वो भी बोलकर लिखना चाहता है। तो नोटपैड में या व्हाट्सएप में कहीं भी आप अगर टाइप करके बोलकर टाइप करना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, किसी भी लैंग्वेज में, गूगल में जितनी लैंग्वेज हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट द इन्वेंटर। लेट्स स्टार्ट विद टेक सपोर्ट। सबसे पहले आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे एंड उसमें जाकर लिखेंगे गूगल इंडिक कीबोर्ड, या गूगल इनपुट टूल भी लिख सकते हैं आप जो कंफर्टेबल हों। तो गूगल इंडिक कीबोर्ड मैंने लिखा तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा एंड इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे। 50 मिलियन इसके डाउनलोड हैं, 4.3 का रेटिंग है एंड टूल्स की कैटेगरी में आता है, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे ओपन करता हूँ। एंड ओपन के बाद इसमें आपको इतने ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्चुअली कीबोर्ड है तो इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मैं हैंडराइटिंग के ऑप्शन में अंदर गया तो हैंडराइटिंग की स्पीड है, एंड इनपुट के ऑप्शन में गया तो ये कुछ ऑप्शन, स्पेल करेक्शन, ऑटो स्पेल करेक्शन, इनसे आप ऑन कर देंगे स्पेल करेक्शन को, जिससे कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग आपका करेक्ट होता रहे अगर आप कुछ स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको ऑन करने हैं, मेरे में ऑन हैं, आपको ऑन करने हैं इसी में। एंड हैंडराइटिंग इम्प्रूव, ये कुछ ऑप्शन आएंगे जिन्हें आपको थोड़ा हल्का फुल्का देखना होगा, अगर आप नहीं भी देखेंगे तो हो जाएंगे। तो ये हैंडराइटिंग स्पीड है एंड हैंडराइटिंग स्पीड मैंने नॉर्मल रखी हुई है, तो ये नॉर्मल सी सेटिंग है। इन नॉर्मल सेटिंग के बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में कुछ सेटिंग करना होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सामने मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मैं इसके सेटिंग के ऑप्शन में जा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल में सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे एंड उसमें एडिशनल सेटिंग है मेरे मोबाइल में एंड लैंग्वेज एंड इनपुट, मैं लैंग्वेज एंड इनपुट को सिलेक्ट करूँगा। लेकिन आपके मोबाइल में लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन अगर कहीं और दिया होगा तो आपको वहाँ जाना है एंड लैंग्वेज एंड इनपुट को सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है आपका लैंग्वेज का, इसमें तो इंग्लिश एंड हिंदी मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर रखा है। नीचे जो ऑप्शन है आपका कीबोर्ड का, टचपाल फॉर ओप्पो, गूगल इंडिक कीबोर्ड एंड गूगल वॉइस टाइपिंग, तो मैं जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है गूगल इंडिक कीबोर्ड, इसके मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन वीडियो में पहले बता चुका हूँ, ये वही ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले वहाँ से कर चुके हैं। जो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है गूगल वॉइस टाइपिंग, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर लैंग्वेज दिखाई दे रही है, तो लैंग्वेज मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कैसे अंदर जाएंगे। एंड जो आपको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करना है सबसे ऊपर के ऑप्शन में से, तो आपका जो भी लैंग्वेज है, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, तो मेरा बेसिक जो इंग्लिश यूके है एंड जो मेरा हिंदी है मैं उसे सिलेक्ट कर रखा हूँ पहले से, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी थोड़ा नीचे आएगा तो आप हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हिंदी के अलावा आपको और कोई सिलेक्ट करना है तो देखिए, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, हालांकि मुझे सिलेक्ट नहीं करना है तो मैं इसे हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ एंड इसे मैं सेव कर दूँगा। तो ये मैंने सेव कर दिया, यही हमारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आपको इसमें और स्पीच आउटपुट एंड ये ओके गूगल डिटेक्शन है, आप मैं फ्रॉम गूगल ऐप में जाके अगर ओके गूगल बोलता हूँ तो मुझे हेल्प मिलता है। एंड किसी भी स्क्रीन, नीचे का जो ऑप्शन है फ्रॉम एनी स्क्रीन, अगर मैं किसी भी स्क्रीन में जाके ओके गूगल बोलता हूँ तो गूगल का सर्च बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन होता है, मैं जो भी बोलूँगा वो उसमें सर्च हो जाता है। तो ये खैर, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि ओके गूगल से किस तरीके से आप वॉइस सर्च कर सकते हैं। तो अभी इसको रहने देते हैं आगे डिटेल में। तो अब हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है कि हमें किस तरीके से हमारा कीबोर्ड में लैंग्वेज हमें इंस्टॉल कर लिया है एंड लैंग्वेज इंस्टॉल करने के बाद हमारी हिंदी भाषा एंड इंग्लिश सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, हमें
व्हाट्सएप में जाना होगा या फिर मैसेज के सेक्शन में जाना होगा, जहाँ जाकर हम अपना कोई भी मैसेज या वॉइस या कोई नोट्स बनाना चाहते हैं, लेटर बनाना चाहते हैं, तो नोटपैड में जाना होगा, वहाँ जाकर टाइप कर सकते हैं। चलिए तो फिर मैं अभी व्हाट्सएप में चलता हूँ एंड आपको वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं एक ग्रुप के अंदर आ चुका हूँ, ये टेस्टिंग के लिए ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, टैग इन्वेंटर फ्रेंड्स। तो इस ग्रुप में मान लीजिए मुझे कुछ टाइप करना है, तो यहाँ पर जो बोलने वाला ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इससे तो आप बोलकर वॉइस को सेंड करते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड मैं कुछ भी बोलता हूँ और इसमें सेंड हो जाता है बोलने के बाद, तो ये वॉइस सेंड हो गया, कैंसिल कर दिया मैंने उसे। तो यहाँ से आप वॉइस को सेंड कर सकते हैं एंड इसके, लेकिन दोस्तों इसके नीचे गूगल इंडिक कीबोर्ड को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से तो लैंग्वेज चेंज होता है, आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसी के नीचे बोलने का एक और सिंबल दिया हुआ है छोटा सा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, और उस पर क्लिक करने के बाद आप टाइप बोल कर टाइप कर पाएंगे, ये जो बटन दिया हुआ है। तो अभी ये जो इस बटन को आपको क्लिक करना होगा, तो दोस्तों चलिए मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ बोलकर, उस बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप इस तरीके से क्या आसानी से टाइप कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो को सेंड करने के बाद आप आसानी से चैट कर सकते हैं, छोटे मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैंने आपको लंबा वीडियो मैसेज टाइप करके दिखाया।